हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकांक्षा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। टुडे वी विल स्टडी द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन ऑग्यूमेटिंग एंड मीटिंग द लोकल डिमांड। ऑग्यूमेटिंग यानी कि इंक्रीमेंट, बढ़ोतरी। मीटिंग मतलब डिमांड को मीट करना। तो डिमांड का मतलब क्या होता है, पहले हम ये जान लेते हैं, तब हम समझेंगे कि डिमांड को एक एंटरप्रेन्योर कैसे बढ़ाता है या कैसे पाता है। तो डिमांड का मतलब होता है डिज़ायर टू हैव अ पर्टिकुलर थिंग, मींस और अ मनी टू बाय, एंड थर्ड इज़ विलिंगनेस टू बाय। यानी कि हमारे पास इच्छा होनी चाहिए बाय करने की कोई चीज़, और साथ ही साथ पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए, इच्छा भी है, लेकिन हमें वो पर्टिकुलर थिंग बाय करनी है, इसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तो ये तीन चीज़ जब मिलती हैं तो ये क्रिएट करती हैं डिमांड। और इसी डिमांड को एक एंटरप्रेन्योर कैसे बढ़ाता है, आज हम वो देखेंगे। तो इसका मैंने एक न्यूमोनिक्स तैयार किया है, CPU डाटा। एब्रीविएशन के थ्रू हम याद कर सकते हैं CPU डाटा। कुल 7 पॉइंट है, जो कि मैं अभी पॉइंट वाइज आपको बताती हूँ। C4 देखते हैं, C4 क्या है। सबसे पहले क्रेडिट परचेस फैसिलिटी, यानी कि कस्टमर को या कंज्यूमर को हमें उधार पे सामान देना, इसे क्या कहेंगे, क्रेडिट परचेस फैसिलिटी। तो मेनी एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट परचेस टू देयर लोकल बायर एज दे यूजुअली नो देम वेल। दिस हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लोकल डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। यानी कि हम अगर किसी को उधार पे देते हैं या डिस्काउंट में देते हैं, ताकि हमारा प्रॉफिट, मतलब कि कस्टमर हमसे दूर ना हो, कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए हम उसे क्रेडिट में भी फैसिलिटी दे देते हैं। फिर हमारा पी से आता है पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द लोकल बायर। यानी कि एक बायर के साथ, लोकल बायर के साथ पर्सनली कॉन्टेक्ट बनाना, उनके विचारों को समझना, उनके बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ मतलब कॉमन सेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर को समझना, उनकी सोच क्या है उस हिसाब से, ताकि हमें आगे फ्यूचर में हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें तो उनके टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से हमें अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करें। तो इसीलिए उनके साथ पर्सनल कॉन्टेक्ट बनाना भी एक डिमांड को बढ़ाने का साधन हो सकता है। सी हो गया, पी हो गया, नेक्स्ट है हमारा यू फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज। यानी कि लोकल रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करना। एक एंटरप्रेन्योर ये अच्छी तरह से समझता है कि हमें वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए जो भी लोकल रिसोर्सेज एक पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल हैं। तो उसकी अवेलेबिलिटी को यूटिलाइज़ करता है वो किस तरह से, तो जैसे कि कोई भी हर जगह की कोई ना कोई चीज़ फेमस होती है, तो उसे यूज़ में कैसे लाया जाता है, उसे सेल आउट करके, और वो वहाँ की मान लो कश्मीर के एप्पल, रत्नागिरी के आम, तो ये सारी क्या है, मतलब वहाँ की फेमस क्यों हो पाई हैं, क्योंकि वहाँ पे वो उस चीज़ में, वहाँ के रिसोर्सेज वो अवेलेबल हैं, वहाँ पे उसकी अच्छी खेती की जाती है। तो एक एंटरप्रेन्योर अच्छी तरह से समझता है, एंटरप्रेन्योर अंडरस्टैंड द लोकल कंडीशन ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड आर कैपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग दिस रिसोर्सेज वेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस लीड टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द लोकल रिसोर्सेज, जिसकी तरह से वो फुल्ली यूटिलाइज होता है। अगर एक एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो वो उसका मतलब नहीं है, कोई भी चीज़ मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाएगी बिना इकोनॉमिक बिना मार्केट क्रिएट किए। CPU, नाउ वी विल मूव टू डी, डाटा का डी। डी से हमारा होता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। यानी कि कॉम्पिटिटिव, जहाँ पे मार्केट में, कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर प्राइस को स्टेबलाइज करना है, डिटरमाइन करना है, तो कौन से, मतलब प्राइस भी, ये भी नहीं होना चाहिए ना, इन्फ्लेशन क्रिएट हो, डिफ्लेशन क्रिएट हो, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमें सेल कैसे करना है, ये एक एंटरप्रेन्योर ही जानता है। एज अ एंटरप्रेन्योर प्रोक्योर लोकल रिसोर्सेज एंड प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लोकल डिमांड, दे मेंटेन अ कॉम्पिटिटिव प्राइस स्ट्रक्चर विच लीड्स टू हायर डिमांड एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। अब हम देखते हैं DATA, डाटा। ए से होता है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट अंडर वन रूफ। वन रूफ यानी कि एक छत के नीचे सारे प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना, जैसे कि मॉल वगैरह में
बिग बाज़ार में या तो फिर मेला लगता है जहाँ, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें एक ही प्लेस पे बहुत सारी टाइप की प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हो जाती है। ऐसा करने से भी डिमांड बढ़ सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है। डा हो गया, अब हम DATA, टी से है हमारा ट्रस्ट ऑफ लोकल कस्टमर, लोकल कस्टमर का विश्वास जीतना उन पे, उनको भरोसा दिलाना कि उन्हें मतलब हमारे प्रोडक्ट से कोई हार्म या कोई लॉस नहीं होगा और ये उनके लिए अच्छा होगा, उन्हें सेटिस्फाई करेगा। एज लोकल कस्टमर नो द एंटरप्रेन्योर पर्सनली, दे हैव अ ट्रस्ट फॉर देम। इफ द एंटरप्रेन्योर कंडक्ट द बिजनेस इन अ फेयर मैनर, दे कैन ईजिली ऑग्यूमेंट द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस ट्रस्ट। हमें किसी का ट्रस्ट लेना है, अपनी डिमांड को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें फेयर डीलिंग करनी होगी, फ्रॉड नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, ताकि ट्रस्ट बना रहे। और लास्ट पॉइंट है हमारा अवेयरनेस अबाउट द लोकल डिमांड, यानी कि लोकल डिमांड के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करके, उसके बारे में नॉलेज गैदर करके, उन लोगों से पर्सनली हम मिलते हैं, उनकी विचारधारा को समझते हैं उनकी, ताकि हम डिमांड को मीट कर सके और अपनी रिसोर्सेज को यूज़ करके एक इफ़ेक्टिव मैनर में वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को बिना किए हम उसे ऑप्टिमम यूटिलाइज़ कर लें। तो हमने जितने पॉइंट पढ़े वो हैं CPU डाटा याद करके हम कर सकते हैं। सी से हमने पढ़ा क्रेडिट परचेस फैसिलिटी, देन यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट अंडर वन रूफ, और अवेयरनेस अबाउट लोकल डिमांड, पर्सनल कॉन्टेक्ट विद लोकल बायर, ट्रस्ट ऑफ लोकल कस्टमर। इसमें आगे पीछे है, मैंने इसे CPU डाटा के फॉर्म में वो कर लिया है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो। ओके, इसकी आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो अबाउट सोशल स्टेबिलिटी। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट तो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, जिन्होंने नहीं देखा उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो पहले देख लेना, ताकि रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर का ये मतलब सेकेंड या थर्ड पार्ट है, और इसके अभी आने वाले 2-3 वीडियो और हैं।